हेलो एवरीवन, मैं प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो होने वाली है इस पर, ये है पैंटिन एडवांस्ड हेयर फॉल सॉल्यूशन हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर। अब कंडीशनर हमारे बालों के लिए क्यों जरूरी है? जिनके बाल ड्राई हैं, जिनके बालों में शाइन नहीं है, जिनके बाल टूटते हैं, उनको कंडीशनर जरूर यूज करना चाहिए। वैसे तो हम सबको ही अपना जो हेड वॉश करने के बाद उसी टाइम हमें कंडीशनर यूज करना चाहिए, लेकिन जो नहीं करते और उनको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए कंडीशनर को लगाना। तो यहाँ पे ये कंडीशनर मैंने लिया है, मुझे 20 से 25 दिन हो चुके हैं इसे यूज करते हुए। तो ये मुझे कैसा लगा है, ये मैं बात आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसका प्राइस है 180 रुपीज, लेकिन ये मुझे आई थिंक 140 या 145 में मिल गया था। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा। आपको ऑनलाइन लेना है तो फ्लिपकार्ट पे है, ये अमेजोन पे है, और अगर आप इसे ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप इसे किसी भी ग्रोसरी स्टोर से ले सकते हैं। इसके पाउचेस भी आते हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी है 180 ml, और इसमें छोटी पैकेजिंग भी आती है, वो 75 ml से स्टार्ट हो जाती है। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो आपको 2 साल मिल जाएगी, 2 साल तक आप इसे यूज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये कहते हैं कि हेयर फॉल सॉल्यूशन है। जी हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि इसे मैंने काफी टाइम यूज किया है, मैंने इसे 5 से 6 बार यूज कर लिया है। और हम सबको ही हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, ये कभी भी जाती नहीं है। कभी भी ये नहीं होता कि बिल्कुल आपके जो बाल हैं वो नहीं झड़ रहे, थोड़ी प्रॉब्लम हम सबको चलती ही रहती है। लेकिन इसे यूज करने के बाद क्या होता है कि आपकी जब आप वॉश करके आते हो हेड वॉश, तो जो आपके बाल हैं टेंगल फ्री हो जाते हैं। नहीं तो अगर आप इसे यूज नहीं करते, जैसे सिर्फ आप शैम्पू ही करते हो बालों को, तो आप जैसे थोड़ा मसाज करते हो तो उसमें टेंगल्स बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने बाद में कंडीशनर लगाया है और आपने इस कंडीशनर को लगाया है, तो आपके जो बाल हैं वो टेंगल्स फ्री हो जाएंगे। जब आपके बाल ड्राई होंगे, बिल्कुल भी आपका बाल टूटेंगे नहीं, आपके जो बाल है सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। मुझे ऐसा होता है, मेरे बालों को इसे काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। तो प्लास्टिक की ये ट्यूब की तरह इसकी पैकेजिंग है, ऊपर प्लास्टिक है, नीचे यहाँ पे ये टिकटॉक वाला सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना कंडीशनर निकाल सकते हैं। व्हाइट कलर का कंडीशनर है, अगर हम देखें तो थोड़ा क्रीमी टेक्सचर है इसका, ये देख सकते हैं आप। फ्रेग्रेंस इसकी अच्छी है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, नॉर्मली है। आप तो अब बात कर लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। जब आपने शैम्पू निकाल लिया अपने बालों से, तो आप इसे थोड़ा सा लीजिए, जैसे 1 चम्मच के जितना जितना आप खाने वाला चम्मच होता है नॉर्मली, उतना 1 चम्मच लीजिए, अपने पूरे बालों में इसे लगाइए। आपके बाल गीले ही होने चाहिए, जैसे कंडीशनर हम यूज ही करते हैं। तो अपने बालों की जड़ों में इसे मत लगाए, लेंथ पे लगाए इसे, और इसे 2 से 3 मिनट तक आप लगा रहने दें। उसके बाद नॉर्मल पानी के साथ, गर्म पानी बिल्कुल यूज ना कीजिए। मैं तो हर बार कहती हूँ कि आपको गर्म पानी के साथ अपने बालों को नहीं धोना चाहिए, ठंडा पानी हो, ठंडा नहीं हो तो थोड़ा नॉर्मल हो, तो उसके साथ अपने इसको निकाल दीजिए पानी के साथ। आप कोई भी ड्रायर यूज मत कीजिए अपने बालों को ड्राई करने के लिए, नॉर्मली उसे ड्राई होने दीजिए। आप देखोगे कि आपके बालों में ना कोई भी टैंगल नहीं होगा। तो टैंगल नहीं होगा तो आपके जब आप कॉम करोगे तो बड़ी आसानी के साथ आपकी कॉम जो है अपने बालों से निकल जाएगी। तो इसे अगर आप लगातार यूज करोगे तो आपका हेयर फॉल जो है वो काफी कम हो जाएगा। मुझे भी ऐसा लगा है, मुझे थोड़ा सा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम सबके होते ही हैं, बाल झड़ते ही हैं, लेकिन इसे यूज करने के बाद आपको थोड़ा फर्क लगेगा। और यहाँ पे पीछे इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लिखे हुए हैं, कुछ खास अब समझ आने वाले नहीं है इसके इंग्रेडिएंट्स। और इसकी जो शेल्फ लाइफ है मैंने बता दी आपको, 2 साल है। MRP है इसकी 180, लेकिन ये आपको 140 में मिल जाएगा। कहीं से भी आपको ये मिल सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह ये अवेलेबल होता है। इतनी बड़ी पैकेजिंग है, छोटी पैकेजिंग लेना चाहते हैं तो वो यूज कर लीजिए। तो ये मुझे तो कंडीशनर बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। तो ये था मेरा इसके लिए ऑनेस्ट रिव्यू, मुझे ये कैसा लगा है, अच्छा लगा है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप जरूर एक बार इसे ट्राई कीजिए, छोटी पैकेजिंग के साथ आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और अभी मैंने पोस्ट की है, ये अमेजोन से मैंने रिंग्स ली हैं, वीडियो जरूर देखिएगा, मेरे चैनल पे है। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये दोनों वीडियोस आपको कैसी लगी हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।